जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हमारे हिंदी विषय में हमारा ये पहला रिवीजन वीडियो है। परीक्षा की पूर्व तैयारी के रूप में हमने ये रिवीजन वीडियो बनाया है। आगे हमने हमारे लाइव क्लास में क्वेश्चन 4B सविस्तर उत्तर लिखिए का रिवीजन किया था। यहां पर इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4A वाक्यों में से विशेषण पहचानिए, आपको परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा ये प्रश्न, उसका रिवीजन करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन 4C यानी निबंध लेखन कीजिए, निबंध लेखन कीजिए प्रश्न में हम 3 निबंध में से आपको कोई एक निबंध लिखना है परीक्षा में, उसके बारे में कुछ निबंध की चर्चा करेंगे। हमारे विशेषण पहचानिए क्वेश्चन 4A प्रश्न में 2 मार्क के 2 वाक्य पूछे जाएंगे। आपको वाक्यों में से कौन सा शब्द विशेषण है वह पहचानना है और उत्तर के रूप में लिखना है। पहले तो बच्चों ये समझ लीजिए कि विशेषण क्या है। तो विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा यानी नाम, तो जो शब्द नाम की संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषता यानी उसके बारे में कुछ ज्यादा कहता है, भला या बुरा, उसे विशेषता कहते हैं। तो विशेषता बताता है वैसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यहां पर मैंने बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखे हैं, इस वाक्यों में से आपको विशेषण पहचानना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। पहला वाक्य हमारा ऐसा है कि साहिल अच्छा लड़का है। साहिल संज्ञा है, नाम है, बराबर उसकी जाति है, तो वो लड़का है, उसकी जाति है। तो साहिल अच्छा लड़का है, यहां पर कौन सा शब्द है जो उसे विशेषता के रूप में बताता है, विशेष के रूप में, उसे अच्छा है, ये विशेषता है उसकी। तो इसके लिए अच्छा शब्द है वो विशेषण कहलाएगा, क्योंकि साहिल अच्छा लड़का है, लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है, तो उसकी एक अच्छा गुण, उसकी विशेषता बताई, तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो अच्छा शब्द विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए अच्छा शब्द विशेषण कहलाएगा। दूसरा वाक्य है, ये महंगे पटाखे हैं, ये महंगे पटाखे हैं। तो इस वाक्य में महंगे शब्द है पटाखे, पटाखे यानी हम जो दिवाली पर जलाते हैं, फूल जड़िया हो, तारा मंदिर हो या बम, उसे पटाखे कहते हैं। तो यहाँ पर पटाखे तो है लेकिन कैसे है, महंगे है, तो उसकी विशेषता बताता है, इसलिए महंगे शब्द विशेषण कहलाएगा। तीसरा है, ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है, ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है। तो यहाँ पर लाठी तो है लेकिन कैसी लाठी है ग्वाले के हाथ में, लंबी, तो लाठी की विशेषता बताता है, लाठी छोटी भी होती है लंबी भी होती है। तो यहाँ ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी के वाक्य में लंबी शब्द विशेषण है। चौथा वाक्य है, एक नाव किनारे पर खड़ी है, एक नाव किनारे पर खड़ी है। तो इस वाक्य में एक शब्द विशेषण है, नाव है लेकिन एक ही नाव है, बराबर किनारे पर खड़ी है, एक ही नाव है, तो एक शब्द विशेषण के रूप में है। आगे, रेशमा धुमधी लड़की है, देखो रेशमा लड़की है लेकिन ऐसी वैसी लड़की नहीं, कमजोर लड़की नहीं, निर्बल लड़की नहीं, धुमधी लड़की है। तो यहाँ पर धुमधी शब्द रेशमा की विशेषता बताता है, लड़की होने की विशेषता बताता है, इसलिए धुमधी शब्द विशेषण कहलाएगा। छठा वाक्य हमारा, छोटे
बच्चा फिसल गया, तो यहाँ पर छोटा बच्चा फिसल गया वाक्य में जो छोटा शब्द है वह विशेषण है, बच्चा है लेकिन वह छोटा है, बच्चा बड़ा भी हो सकता है ना। आप सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो आप बड़े बच्चे हो, अगर कोई पहली दूसरी में पढ़ता है तो वो छोटा बच्चा है, तो यहाँ पर छोटा बच्चा फिसल गया तो छोटा शब्द विशेषण के रूप में आए। आगे का वाक्य है कक्षा में 10 लड़कियां बैठी हैं, कक्षा में 10 लड़कियां बैठी हैं, तो यहां पर कौन सा शब्द हमें विशेषण के रूप में मिलेगा? यस, कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है, कौन सा शब्द विशेषण है? तो 10 शब्द विशेषण है, बराबर। कक्षा में लड़कियां तो है लेकिन 10 लड़कियां है, तो 10 शब्द विशेषण के रूप में है, क्योंकि विशेषता बता रहा है लड़कियां बैठी है, कितनी लड़कियां? 10। आगे उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, तो यहां पर देखिए वाक्य बड़ा है तो वाक्य में विशेषण भी अलग अलग है, यानी ज्यादा होंगे। पहला उसकी हर सुबह नई सुबह है, तो हर सुबह तो होती है, हर सुबह हर शब्द विशेषण है। दूसरा कैसी होती है? तो नई सुबह होती है, तो नई शब्द भी विशेषण के रूप में है, यानी हर सुबह विशेषण उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तो यहां पर इस वाक्य में दो शब्द है जो विशेषण के रूप में है, पहला है हर सुबह, हर शब्द विशेषण है, और दूसरा है नई सुबह, नई शब्द विशेषण है, कि सुबह तो होती है लेकिन नई सुबह होती है, कुछ नए इरादों के साथ नए हौसलों के साथ उसकी सुबह की शुरुआत होती है, इसलिए नई और हर शब्द वाक्य में विशेषण के रूप में है। आगे का वाक्य हमारा कुत्ता वफादार प्राणी है, कुत्ता वफादार प्राणी है, प्राणी तो सब है लेकिन कुत्ता उसमें से वफादार प्राणी है, तो कुत्ते में वफादारी का गुण होता है, इसलिए कुत्ता वफादार प्राणी कहा गया है। तो ये वफादार शब्द विशेषण है, वाक्य में वफादार शब्द विशेषण है। आगे है यह एक सुंदर चित्र है, यह एक सुंदर चित्र है, चित्र तो है लेकिन चित्र कैसा है? सुंदर है, तो सुंदर शब्द उसकी विशेषता बताता है, इसलिए यह विशेषण है, सुंदर विशेषण है। ग्यारहवां वाक्य हमारा आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, आसमान में बादल तो है, कई सारे बादल नीले होते हैं, कई सारे बादल सफेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर काले काले बादल छाए हुए हैं, तो काले काले शब्द जो बादल विशेषता बादल का रंग बताता है, इसलिए काले काले शब्द हमारा विशेषण होता है। बारहवां वाक्य बाग में कुछ पेड़ बड़े हैं, बाग में कुछ पेड़ बड़े हैं, तो यहाँ पर कुछ और बड़े दोनों विशेषण के रूप में आएगा, क्योंकि बाग में पेड़ तो है, कितने हैं? कुछ पेड़ है, हमने गिने नहीं है, बराबर। और नीचे वाला सर्वनाम का शब्द है कुछ, और बड़े हैं, कुछ पेड़ छोटे हैं, कुछ पेड़ लंबे हैं, इसलिए बड़े शब्द विशेषण है। तेरहवां पानी में रंग बिरंगी मछलियां है, तो रंग बिरंगी मछलियां में रंग बिरंगी शब्द आएगा विशेषण, मछलियां तो है लेकिन रंग बिरंगी है, कोई मछली सिल्वर कलर की है, कोई मछली गोल्डन कलर की है, कोई मछली काले कलर की है, तो रंग बिरंगी शब्द विशेषण है। आगे का वाक्य हमारा सफेद बकरी हरी घास खा रही है, सफेद बकरी हरी घास खा रही है, तो यहाँ पर सफेद शब्द वाक्य में विशेषण है, क्योंकि बकरियां कोई काली भी होती है, कोई लाल कलर की भी होती है, यहाँ पर कैसी बकरी है? सफेद, तो उसकी विशेषता बताता है बकरी की, तो सफेद शब्द विशेषण कहलाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारे प्रश्न चार के में दो मार्क के दो वाक्य आपको विशेषण पहचानने के पूछे जाएंगे, हमने यहाँ पर 14 वाक्य देखे, इसमें से या इसके जैसे वाक्य आपको परीक्षा में आएंगे, तो आपको उसमें से जो शब्द विशेषण है वो अलग निकालकर नीचे आंसर के रूप में लिखना है,
या फिर आप इसी वाक्य में अंडरलाइन भी ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रश्न चार का रिवीजन। आगे लिखते हैं हम प्रश्न चार सी। दूसरा हमारा प्रश्न है प्रश्न चार सी, प्रश्न फोर सी। उसमें निबंध लेखन आपको पूछा जाएगा। निबंध लेखन के आपको 7 मार्क्स है। आपको पेपर में 2 या 3 विषय पूछे जाएंगे, उसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लेखन करना है। 1 या 2 पेज में आपको अपने विचारों से, अपनी मौलिकता से निबंध लेखन करना है अपनी भाषा में। आपको ऐसे शब्दों का कोई बात नहीं है कि आप 100 शब्दों में करिए, 200 शब्दों में, लेकिन 7 मार्क्स है तो आप मैक्सिमम 2 पेज या 1.5 या 2 पेज भरकर अच्छे से निबंध लिख सकते हो। पैराग्राफ अच्छे से बनाना, निबंध में मिनिमम 3 या 4 पैराग्राफ होने चाहिए। अच्छे से पैराग्राफ निकाल कर आपने निबंध लिखना 7 मार्क्स। उसमें खास वाक्य रचना अच्छी होनी चाहिए और हिंदी में हिज्जे की भूल नहीं होनी चाहिए। जोड़नी, स्पेलिंग मिस्टेक, उसे हिज्जे की भूल कहते हैं। हिज्जे की भूल जितनी ज्यादा होगी मार्क्स उतने कम आएंगे, तो आपको हिज्जे की भूल भी कम होनी चाहिए या कम रखनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ विषय लिखे हैं, इस विषय पर हम उसके खाली पॉइंट्स चर्चा करेंगे, फिर पॉइंट्स के आधार पर आपको निबंध लिखना है। पहला विषय हमारा है कि मेरा प्रिय त्योहार। यहाँ पर मैंने लिखा है दीपावली, मेरा प्रिय त्योहार। अगर किसी बच्चे का प्रिय त्योहार नवरात्रि है या रक्षाबंधन है या जन्माष्टमी है या ईद है या क्रिसमस है, किसी भी त्योहार के बारे में आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में मेरा प्रिय त्योहार। दीपावली की बात करें हम तो आपको दीपावली कब आती है उस महीने का नाम लिखना है, अक्टूबर या नवंबर, गुजराती मास, आसो मास, बराबर उस प्रकार। दीपावली कितने दिनों का त्योहार है, 1 दिन 2 दिन, 5 से 6 दिनों का त्योहार होता है दीपावली। पहले वाघ बारस, फिर धनतेरस, फिर काली चौदस, फिर दिवाली, फिर नया साल, फिर भाई बीज, इस प्रकार लिखते। दिवाली में लोग क्या क्या करते हैं, तो नए कपड़े खरीदते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, घर में फरसान और मिठाइयां बनाते हैं, लोगों के घर मिलने जाते हैं, लोगों को बधाइयां देते हैं। फिर दिवाली में क्या होता है, तो वाघ बारस धनतेरस के दिन हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर में रंगोली बनाते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं वो उनके जो चौपड़े होते हैं उनकी पूजा करते हैं। दिवाली के दिन सब लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करके घर में एक साथ बैठते हैं, फिर एक साथ भोजन लेते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं, फूल जड़िया जलाते हैं, बॉम्ब जलाते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। नए साल के दिन लोग नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं, एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते, मिठाइयाँ खाते, मिठाइयाँ खिलाते हैं। भाई बीज के दिन भाई बहन के घर जाता है, बहन को उपहार गिफ्ट देता है, बहन भाई को खाना खिलाती है। तो इस प्रकार दिवाली खुशियों का त्यौहार है, साल में एक बार आने वाला खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग खुशियाँ ही खुशियाँ मनाते हैं और आनंद से रहते हैं। दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो उसके पीछे का भी एक कारण है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ और राम ने रावण पर विजय पा ली, यानी सत्य की असत्य पर विजय हो गई, उसके बाद राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या अपने गांव 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौटे, तो उस खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घर के आंगन में दिए जलाए और खुशियां मनाई, और उसी दिन से हम दिवाली। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स। आपको इस पॉइंट्स के आधार पर एक पूरा निबंध लिखना है। दूसरा है वर्षा ऋतु, बहुत इजी सब्जेक्ट। वर्षा ऋतु हर साल पूछा जाता है परीक्षा में, वर्षा ऋतु के बारे में निबंध लिखिए, और हर बच्चा आंखें बंद करके लिख लेता है। वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, घर टूट जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, है ना, गाड़ियां सब होती है वो ऐसे पानी में तैर जाती है। कम बारिश हो तो हम उसे अनावृष्टि कहते हैं, ज्यादा बारिश हो तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं, गुजराती में कहें तो लीलो दुकाल, तो वर्षा ऋतु। तो हिंदू सॉरी हमारा जो गुजराती वर्ष है उसमें जेठ से आसो महीने तक
के जो महीने होते हैं उसे वर्षा ऋतु के महीने कहा जाता है। अंग्रेजी महीने में जून से बारिश की शुरुआत होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये बारिश के महीने हैं, ज्यादा बारिश होती है। तो वर्षा ऋतु में सभी त्योहार आ जाते हैं जैसे जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, रक्षाबंधन है, पतेदी है, नवरात्रि है, सभी त्योहार वर्षा ऋतु में ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु में काले काले बादल छा जाते हैं, मोर अपने पंख फैला कर कला करता है, जो मेंढक होते हैं वो ड्राव ड्राव करते हैं, ज्यादा बारिश होने से नुकसान होती है, किसान बारिश आने से खुश हो जाते हैं और बारिश आने से किसान अपने खेतों में खेती करने लग जाते हैं, अच्छी ज्यादा बारिश होने से अच्छी फसल उगती है, अच्छी फसल देखकर किसान बहुत खुश होते हैं। तो इस प्रकार वर्षा ऋतु। फिर है मेरा प्रिय खेल तो सबको पसंद है, लेकिन आपको अपने प्रिय खेल के बारे में लिखना है। मान लो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, तो मैं लिखूंगा कि खेल, वैसे तो खेल मुझे सब खेल पसंद है, लेकिन मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। फिर क्रिकेट के बारे में आप पूरा लिख लो कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, अवेजी के रूप में 1/12 खिलाड़ी को बिठाया जाता है, क्रिकेट में 2 बारी होती है, सिक्का उछालकर बारी तय की जाती है, जिसकी बारी है बल्ले की बारी आई तो वो बल्ला लेकर उस टीम के जो भी बल्लेबाज हैं वो बैटिंग करते हैं, दूसरी सामने वाली टीम के खिलाड़ी फील्डिंग में जुड़े होते हैं, एक खिलाड़ी गेंद डालता है, दूसरा बल्ले से गेंद को पटकता है, मारता है और रन लेता है। इस प्रकार बारी बारी से 2 टीमों की बारी में जितने जिस टीम के ज्यादा रन होते हैं उस टीम को विजेता करार की जाती है। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और ज्यादातर मुझे 2020 क्रिकेट बहुत पसंद है। जब 2020 का मैच होता है भारत का और दूसरे देश की टीम का, तो मैं तो कई बार ट्यूशन जाना भी छोड़ देता हूँ और पूरा मैच देखने बैठ जाता हूँ। मैं मेरे सोसाइटी के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ, कभी कभी तो मेरे पापा की ऑफिस में छुट्टी होती है तो वो भी मेरे साथ क्रिकेट खेलने आते हैं। हम दूसरी सोसाइटी के बच्चों के साथ क्रिकेट की मैच रखते हैं, उसमें मैं कैप्टन बनता हूँ और मैं अच्छा बैटिंग भी कर लेता हूँ, मैं विकेट कीपर के रूप में भी अच्छी फील्डिंग कर लेता हूँ। तो ये हो गए अपने मनपसंद गेम यानी अपने मनपसंद खेल के बारे में। आपका जो भी खेल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, खो खो हो, कबड्डी हो, कैरम हो, चेस हो, आप किसी भी खेल के बारे में इस प्रकार लिख सकते हो। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लोक पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें लोखंडी पुरुष कहते हैं या अखंड भारत के शिल्पी के नाम से भी इतिहास में वह प्रचलित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात राज्य के आणंद जिले के करमसद गांव में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यवसाय में वकील थे। एक दिन जब वो कोर्ट में वकालत कर रहे थे, एक नौकर आकर उनके हाथ में एक चिट्ठी थमा गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया है। इस दुख भरी बात को सुनकर भी वह जरा भी नहीं हिचकिचाए और चिट्ठी अपने जेब में रख दी और कोर्ट का जो भी कार्य है वह करने लगे। जब कोर्ट का कार्य खत्म हो गया तो एक वकील ने आकर पूछा कि वल्लभ भाई चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था। तब उन्होंने चिट्ठी निकाल कर बताई। तब वो सामने वाला वकील भी एकदम से हक्का बक्का रह गया कि इतनी दुख भरी बात थी, फिर भी आपने घर न जाकर कोर्ट का जो कार्य है वह एकदम स्वास्थ्य पूर्वक पूरा किया। तो इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल एक निष्ठावान व्यक्ति थे। दूसरी बात के जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब भारत देश टुकड़ों में बटा हुआ था। हमारे भारत देश में 562 रजवाड़े, तो उन 562 रजवाड़े को एक करने का जो कार्य है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए उन्हें अखंड भारत के शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, उनके बचपन का एक प्रसंग है कि जब वो छोटे थे उनके हाथ के नीचे बगल में एक बहुत क्या बोलते हैं फूडी फूसी हुई थी, एक गुजराती में कहें तो फुल्ला घूमड़ू था, तो
उसकी इतनी पीड़ा थी कि वो सहन भी नहीं कर पाते थे। तब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा, उस समय डॉक्टर यानी वो वैद्यराज के पास गए तो वैद्य ने कहा कि यहाँ पर तो डाम देना पड़ेगा। डाम यानी गरम गरम लोखंड का जो सलिया होता है उसे इतना गरम करते हैं, फिर जिस जगह वो चीज हुई होती है उस जगह पर वो रख देते हैं। तो कहा कि इतना छोटा बच्चा ये सफल नहीं कर पाएगा। तब वल्लभ भाई ने कहा कि आपको जो इलाज करना है आप करिए, जितना दुख होगा मैं सहन कर लूंगा। और वैद्यराज ने वो गरम गरम सलिया उनको जो घुमड़ा हुआ था वहां पर रख दिया। इतनी तेज वो गरम गरम सलिया इतना तेज था, इतनी गर्मी थी उसकी और इतना दुख था, फिर भी वो छोटे बच्चे ने वो पूरा दुख सहन कर लिया। तो इस प्रकार उन्हें लोखंडी पुरुष वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ऐसे एक आध दो प्रसंग अपने निबंध में लिख लेना, प्राथमिक उनका परिचय लेना कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने पढ़ाई कहाँ की थी, व्यवसाय क्या कर रहे थे, उनके माता का नाम क्या था, पिताजी के नाम क्या था, फिर ये पूरा निबंध एक या दो पन्ने में आप लिख लेना। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 4C निबंध लेखन 7 मार्क्स। 3-4 विषय आपको यहाँ पर मैंने रिविजन के रूप में दिए। आप यहाँ से और अब हमने जो निबंध की नोट में लिखा है वहां से अच्छे से तैयारी करना। कोई भी विषय आए तो आप अपने विचार लिख लेना, अपनी भाषा में लिखना, लेकिन हाँ हिज्जे की भूल कम होनी चाहिए और जो भी सेंटेंस बनाए वाक्य रचना अच्छी होनी चाहिए। एक भी भूल नहीं होगी, वाक्य रचना भी अच्छी होगी और अच्छे से आपने पैराग्राफ निकाल कर दिन या 4 पैराग्राफ में लिखा होगा तो पूरे के पूरे मार्क आपको मिल जाएंगे। तो हमारा प्रश्न 4 का जो रिविजन है, प्रश्न 4 ए बी और सी पूरा यहाँ पर पूरा हो गया है। प्रश्न 4 ए और सी आज के क्लास में हमने देखा और प्रश्न 4 बी का रिविजन। प्रश्न 4 बी सविस्तर उत्तर लिखिए। इस प्रश्न में आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 के उत्तर लिखने हैं। एक प्रश्न का 3 मार्क यानी 2 प्रश्न के आपको कुल 6 मार्क मिलेंगे। पूरा प्रश्न सविस्तर उत्तर लिखे का पूरा प्रश्न आपको कविताओं में से ही पूछा जाएगा, इसलिए कविताओं के जो भी बड़े सवाल है आप उसमें से ही याद करिएगा। हमने इस सभी प्रश्नों का रिवीजन लाइव क्लास में किया है और दोबारा हम वीडियो में भी उसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको अच्छे से सब याद रहे और अच्छे से लिख सके। पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। दूसरी कविता का हमारा प्रश्न है कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो यह एक सारा संसार मानव लोक है, सारा संसार एक मानव लोक यानी हम सब मनुष्य उस लोक में रहते हैं। एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी देता है, एक ही सूरज सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए हैं। प्रकृति के तत्व यानी सूरज चंद्र धरती आसमान नदी पेड़ पौधे पहाड़ ये सभी हम सबके लिए हैं। और इसलिए कवि ने कहा है एक जगत एक लोक, बराबर। ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। रक्त यानी ब्लड, लहु, एक रक्त का अर्थ क्या होता है उसका अर्थ आपको समझाना है। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। कोई भी धर्म का मनुष्य हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, या कोई भी जाति का हो, कोई भी राज्य का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसके लहू का रंग लाल ही होता है। रक्त के इस रंग की समानता के कारण और रक्त के इस समानता से ही साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति
एक है, भले ही हमारे चेहरे अलग है, हमारे रंग रूप अलग है, वेशभाषा अलग है, लेकिन हमारे रक्त की समानता एक ही है। हम सबका रक्त लाल ही है, भले ही रूप रंग में भिन्न है हम, हमारी भाषा अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा वेद रिवाज अलग है, लेकिन भीतर से हम सब एक जैसे ही है। भीतर से यानी अंदर से हम सब एक जैसे ही है। हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? कवि कहते हैं कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, तो ऐसा कवि क्यों कहते हैं? क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है? तो सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख और कभी दुख आते ही हैं। सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख कभी दुख आते ही हैं, और कई बार सुख के दिन देखने पड़ते हैं, कई बार दुख के दिन देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन सुखी नहीं होता और किसी का सारा जीवन दुखी भी नहीं होता, बारी बारी से सुख और दुख आते ही रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा सारा जीवन सुख दुख की कहानी है। चौथा सवाल, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा है? क्यों कवि ने यही शीर्षक रखा? दूसरा कोई शीर्षक कवि को नहीं पसंद आया, क्यों यही रखा? तो उसके उत्तर में आप ऐसा लिख सकते हो कि पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में पूरे विश्व में एक ही हवा चलती है, पूरे विश्व में एक जैसा ही पानी यानी एक ही पानी है, और सबके जीवन में सुख और दुख में समानता है, यानी सबके जीवन में सुख और दुख समान है, बारी बारी से सुख और दुख आते ही रहते हैं। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है, सभी मनुष्य, भारत का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, सभी का शरीर मांस और हड्डियों से ही बना है। इस तरह कवि ने यहाँ पर पूरे विश्व की एकता की बात की है, इसलिए कविता का शीर्षक भी कवि ने रखा एक जगत एक लोक। ओके, आगे, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? घर घर में कौन सा मधुर गान, मधुर गान यानी गीत, कौन सा मधुर गीत हर घर में गूंज रहा है? तो हर घर में, राष्ट्रों में ऐके ही कर्म हमारा, ये मधुर गान गूंज रहा है। और दूसरा कि हर घर में समानता, मानव हमारा धर्म है और मानवता ही हमारा धर्म, यह गान गूंज रहा है, यानी हर घर में मनुष्य की समानता का, मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने का गीत जो है वो सब लोग गा रहे हैं, गूंज रहा है। यानी कवि कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में सुख हो, आनंद हो, खुशी हो, हर मनुष्य खुश रहे और हर मनुष्य अपनी खुशी सुहावने रागों से प्रस्तुत करे, यानी अच्छे अच्छे गीत गाकर खुशी अपनी प्रस्तुत करे, और पूरी मानव जाति एक दूसरे के प्रति प्रेम रखे, प्रेम भावना से रहे और एक दूसरे को मदद करने की भावना रखे, ऐसी आशा से, आकांक्षा से हर घर में मधुर गान गूंज रहा है। आगे का सवाल, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूलों से हमें हरदम खुश रहने की सीख मिलती है, फूलों से हमें हरदम खुश रहने की सीख मिलती है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, फूल हमेशा खुश रहते हैं, चाहे आंधी हो, चाहे पानी हो, चाहे तेज धूप हो, फूल हमेशा खुश रहते हैं, वह सभी मुश्किलें अपने अंदर झेल लेते हैं, अपने ऊपर आए मुसीबतों का सामना हंसकर करते हैं।
तो फूलों से हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहने की सीख मिलती है। चाहे हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति आए, किसी भी प्रकार का दुख आए, हमें उस दुख का सामना बसकर करना है। और हमारे जितने भी कठिन समय का कठिन समय है, उस समय में आनंद के साथ, हर्ष के साथ उस कठिन समय को बिताना है, खुश रहना है। तो फूलों से हमें खुश रहने की सीख मिलती है। आगे का सवाल है हमारा, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। बराबर, बच्चों से यह सवाल है कि आप क्या करोगे धरती को, अपनी धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। तो धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पहले तो हमें धरती पर से कूड़ा कचरा हटाना हो। बराबर, धरती पर से कूड़ा कचरा हटाकर धरती को स्वच्छ सुंदर हम बना सकते हैं। कचरे को कूड़ेदान में भी डालना, हम खुद अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, दूसरों को भी स्वच्छ रखने की सीख देंगे। कूड़ा कचरा हम कचरे दान में यानी कूड़ेदान में कचरा पेटी में ही डालेंगे, इधर उधर नहीं डालेंगे। दूसरी बात, हम हमारे पूरे जीवन काल में एक वृक्ष उगाए, एक बार एक वृक्ष, ऐसा हमारे सरकार का स्लोगन है कि हर बच्चा पूरे जीवन में एक वृक्ष उगाए। तो हमें जगह जगह पर वृक्ष उगाने हैं और उसकी रखवाली करनी है। इस तरह हम हमारी धरती को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, अधिक से अधिक फूल लगाकर और बाग बगीचे बढ़ाकर। बाग बगीचे फूलवारियां भी हमें बढ़ानी होगी और उसमें सरकार को सहयोग भी लेना होगा, और जो लोग ऐसी अच्छी प्रवृत्तियां करते हैं उनको भी मदद करनी होगी। आठवां सवाल, फूल सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है। तो फूलों से तो हमें सीख मिलती है हरदम हंसते रहने की। बराबर, दीपक और सूरज से क्या सीख मिलती है, तो फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए हमें फूलों से मुस्कुराने की, हरदम खुश रहने की सीख मिलती है। सूरज प्रकाश देता है और दुनिया का अंधेरा हर लेता है, और दीपक खुद जलता है, स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। तो इन तीनों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, हमें खुश रहकर ही काम करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, और ईमानदारी से किए गए हमारे अच्छे काम से ही हम दुनिया को सुखी और सुंदर बना सकते हैं।